हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। तो चलिए फ्रेंड्स स्टडी करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। फर्स्ट पॉइंट है, एन एक्सेप्शन इज ए प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो फ्रेंड एक्सेप्शन तब आती है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मीन्स फ्रेंड एक्सेप्शन भी एरर होती है। तो एरर हमारी कितने तरह की होती है? एरर दो तरह की होती है, एक होती है कंपाइल टाइम एरर, एक होती है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर तब आती है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल टाइम एरर में सपोज आपका सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, आपका सेमी कॉलन छूट गया, कर्ली ब्रेसेस छूट गया, कोई ब्रैकेट बंद होने छूट गया, तो आपका कंपाइलर बताता है कि इसमें प्रॉब्लम है उस लाइन नंबर में, उसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। लेकिन एक होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो होती है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते टाइम हमारे लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिससे हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ जाए, मीन्स एरर आ जाए। तो उस एरर को फाइंड आउट करने को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो रन टाइम एरर को हमें हैंडल करना पड़ता है। अगर हम रन टाइम एरर को हैंडल नहीं करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, ए सी शार्प एक्सेप्शन इज रेस्पॉन्स टू एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस दैट अराइज वाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग सच एज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। तो फ्रेंड जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सेप्शनल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाए, आपका जो कोड है लॉजिक है वो काम करना बंद कर दें और जिसकी वजह से एरर आ जाए। तो बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इंटरनेट चला जाए, कोई लॉजिक रन हो रहा हो और इंटरनेट चला जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी एक्सेल की फाइल में आप राइट कर रहे हैं, राइट करते करते इंटरनेट चला जाए तो एक्सेप्शन आ जाती है। डेटाबेस में वैल्यू सेव कर रहे हैं और इंटरनेट चला जाए, इस तरह की प्रॉब्लम जो है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जैसे आपको जानते हैं अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये बात मैथ्स में तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सपोज़ कीजिए आपने कोई कैलकुलेटर बनाया और उसमें किसी क्लाइंट ने जीरो से डिवाइड कर दिया धोखे से या जानबूझ के, तो वो प्रोग्राम चलना, वो सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा, उसमें एक्सेप्शन आ जाएगी, तो फिर सॉफ्टवेयर को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ता है। एक्सेप्शंस प्रोवाइड ए वे टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। तो फ्रेंड एक्सेप्शन हैंडल जब हम करते हैं तो एक्सेप्शन हैंडल करने पर हमें कंट्रोल को दूसरी जगह दूसरे कोड में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर भी चलता रहे और हमारा सॉफ्टवेयर चलता रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर में। सपोज़ कीजिए किसी क्लाइंट ने अगर जीरो से डिवाइड किया है तो जीरो से डिवाइड करने प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जब क्लाइंट ने जीरो से डिवाइड किया तो मैं चेक करूँगा क्लाइंट ने जीरो से डिवाइड किया तो एक एक्सेप्शन रेज होगी, उस एक्सेप्शन को मैं दूसरे कोड में दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर कर दूंगा और उसको नोट कर लूंगा किसी टेक्स्ट फाइल में या डेटाबेस में कि क्या प्रॉब्लम थी। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज़ कीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को पेमेंट। सपोज़ आपने थाउजेंड रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है किसी को बैंक अकाउंट में, और जैसे ही आपने ट्रांसफ़र के लिए ओटीपी डाला और नेट चला जाता है और हो सकता है कि नेट जाते टाइम आपका डिटेक्ट हो जाए बैलेंस, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँ और दूसरे वाले के अकाउंट में ना पहुँचे। तो आप क्या करते हैं, फिर आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक में एप्लीकेशन लिख के देते हैं। तो बैंक वाले चेक कैसे करते हैं, तो जैसे ही आपने जब किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया, ओटीपी डाला, सबमिट किया, तो ऐसा करने पर एक्सेप्शन आ जाती है। उस एक्सेप्शन को डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो उस एक्सेप्शन को दूसरे कोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो जो एक्सेप्शन है उसको नोट कर लिया जाता है एक टेक्स्ट फाइल में या डेटाबेस के अंदर, जिससे कि इन फ्यूचर कोई अगर पूछता है कि ये प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम थी, मेरा क्या हुआ, डिडक्शन हुआ है, तो उसको रीड करके बताया जा सके कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप बैंक में गए तो बैंक में आपने एप्लीकेशन लिखी, तो बैंक वाले पता कैसे लगाएंगे, बैंक वाले कंपनी को फ़ोन करेंगे या मेल करेंगे, कहेंगे इस ट्रांजेक्शन नंबर में क्या प्रॉब्लम थी जो डिडक्शन नहीं हुआ, तो वो बताएंगे सर एक्सेप्शन आई थी, एक्सेप्शन ये थी कि नेट चला गया था उस टाइम और डिडक्शन हो गया। ठीक है,
तो वैसे ये काम पहले होता था, लेकिन आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया है। अगर आपके पैसे कटते हैं तो वो 5 से 10 मिनट में फिर से क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, सी शार्प एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बिल्ट अपॉन 3 कीवर्ड्स, ट्राई कैच फाइल। तो हम यूज़ क्या करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं क्या सी शार्प के अंदर जिससे हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट है ट्राई। ट्राई, ए ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाइज ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर विच पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एक्टिवेटेड, इट इज फॉलोड बाई वन और मोर कैच ब्लॉक्स। तो फ्रेंड ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम लॉजिक रखते हैं, मीन्स वो लॉजिक जिसमें हमें एक्सेप्शन आने का डर होता है कि इस कोड में अगर ये चलेगा तो एक्सेप्शन इस कोड में आ सकती है, तो हम उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। कैच ब्लॉक, नेक्स्ट है कैच ब्लॉक, ए प्रोग्राम कैचिस एन एक्सेप्शन विद एन एक्सेप्शन हैंडलर एट द प्लेस इन ए प्रोग्राम वेयर यू वॉन्ट टू हैंडल द प्रॉब्लम। द कैच कीवर्ड इंडिकेट्स द कैचिंग ऑफ एन एक्सेप्शन। तो फ्रेंड मैंने आपसे कहा था कि हमें एक्सेप्शन को ट्रांसफ़र करना होता है किसी और ब्लॉक में, तो फ्रेंड वो ब्लॉक कैच है। तो ये कैच ब्लॉक होता है जहाँ पे हम एक्सेप्शन को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उसको नोट करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में, डेटाबेस में। नेक्स्ट कीवर्ड है फाइनली। द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट ए गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओपन ए फाइल इट मस्ट बी क्लोज वेदर एन एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट। तो फ्रेंड फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है। तो सपोज़ कीजिए आप डेटाबेस, आपने डेटाबेस ओपन किया और डेटाबेस ओपन करने पर आपने कुछ एग्जीक्यूट किया, कोई ट्रांजेक्शन की, और ट्रांजेक्शन करते करते नेट चला जाता है, तो क्या होगा, नेट चला जाएगा तो एक्सेप्शन रेज होगी। तो एक्सेप्शन अगर रेज हो जाएगी तो डेटाबेस कनेक्टिविटी ओपन रह जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि अगर एक्सेप्शन रेज होती है तो मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्लोज हो जाए, तो उसके लिए मैं फाइनल ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आप किसी एक्सेल फाइल में राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, तो उसको फाइल को ओपन करना पड़ता है। एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं, रीड करते टाइम या राइट करते टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो फाइल ओपन ही रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जैसे एक्सेप्शन आए तो जो आपका कंट्रोल है वो फाइनली ब्लॉक में चला जाए और वो फाइल क्लोज हो जाए, जिससे कि जब हम दोबारा फिर से रीड राइट करें तो प्रॉब्लम ना आए। हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए हम फाइनल ब्लॉक यूज करते हैं। तो सिंटेक्स है फ्रेंड, इसके लिए सिंटेक्स है ट्राई ब्लॉक। इस तरह से हम ट्राई कीवर्ड लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर कोड लॉजिक रखेंगे जिस लॉजिक में मुझे प्रॉब्लम आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के अंदर मैं टाइप लिखता हूँ, क्लास यूज करता हूँ। एक्सेप्शंस के लिए कुछ बनी बनाई क्लासेस हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो कैच ब्लॉक में उस क्लास को नोट करके हम एक्सेप्शन को कैच करते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉक है फाइनली, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करने के लिए कोड रखते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सेप्शन, मैंने आपसे कहा एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए .NET फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाए क्लासेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सी शार्प एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लासेस। तो फ्रेंड मैंने आपसे बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास बनी बनाए क्लासेस हैं। द एक्सेप्शन क्लासेस इन सी शार्प मैन मेनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। तो फ्रेंड उस क्लास का नेम है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक क्लासेस का नाम एक्सेप्शन। ये किसके अंदर है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। सम ऑफ द एक्सेप्शन क्लासेस डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम डॉट एप्लीकेशन एक्सेप्शन एंड सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन क्लासेस। तो हमारे पास स्पेशलाइज क्लासेस है फ्रेंड, एक एप्लीकेशन एक्सेप्शन, एक सिस्टम एक्सेप्शन क्लास, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम और एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास सपोर्ट्स एक्सेप्शंस जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हेंस द एक्सेप्शंस डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर शुड हैव ड्रेन फ्रॉम द दिस क्लास। तो फ्रेंड जैसे कि आपको मैंने बताया एप्लीकेशन एक्सेप्शन, तो फ्रेंड हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है सिस्टम में, जो हमारा कंप्यूटर उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे आपने अपने सिस्टम्स में किया होगा। तो फ्रेंड एप्लीकेशन एक्सेप्शंस वो होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं उनके एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्लास है सिस्टम एक्सेप्शन क्लास, इज द बेस क्लास ऑफ ऑल द प्रीडिफाइंड सिस्टम क्लास। तो फ्रेंड ये सिस्टम एक्सेप्शन है, ये सभी एक्सेप्शन क्लासेस की बेस क्लास है,
पेरेंट क्लास है, सारी की सारी एक्सेप्शंस क्लास इस क्लास से, सिस्टम एक्सेप्शन से इनहेरिट होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास कुछ बनी बनाई क्लासेस हैं। देखिए फ्रेंड, एक्सेप्शन क्लास डिस्क्रिप्शन, सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट, आयो फ्रेंड, आयो का मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो जैसे कि आपके लॉजिक में अगर इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम है तो कौन सा हैंडल करेगा? आयो एक्सेप्शन क्लास। नेक्स्ट है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। जैसे एरे में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों आपको दिखता होगा, कभी कभी एरर आती है, तो उसको कौन हैंडल करता है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, अगर आपने प्रोग्राम में एरे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है नल रेफरेंस एक्सेप्शन। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट खाली रह जाता है और वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और तब एक्सेप्शन आती है, उसको हैंडल कौन करेगा? नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्लास। नेक्स्ट है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। जैसे मैंने आपको बताया किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं अगर, तो ये क्लास हैंडल करती है। इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, आप जो डेटा टाइप को कास्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसकी टाइप को, उसमें प्रॉब्लम आती है तो यूज़ करते हैं इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट है आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। सपोज आपके सिस्टम में मेमोरी की कमी हो गई तो कौन सी एक्सेप्शन आएंगी? आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। नेक्स्ट है स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। जब स्टैक यूज़ कर रहे हैं ओवरफ्लो हो जाता है ना। तो ऐसे फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको बताई हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपके सामने एक प्रोग्राम है हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, चलिए उसको स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल से। तो फ्रेंड मैं सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ आपको, कैलकुलेटर, जो आपके सिस्टम में कैलकुलेटर है, आपके सिस्टम के कैलकुलेटर को चेक करते हैं। पहले सिस्टम के अंदर कैलकुलेटर है, ठीक। सपोज फ्रेंड मैं इसमें ही इसी कैलकुलेटर, ये एप्लीकेशन है, ये विंडोज जो है उसका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कैलकुलेटर आता है। तो फ्रेंड मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को, सपोज मैंने 10 को डिवाइड किया 0 से, देखो क्या होगा। मैंने डिवाइड किया 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, देखो फ्रेंड क्या मैसेज है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्या मैसेज है? आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को। तो जैसे ही हमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, कि अगर कोई 0 से डिवाइड करता है तो हम उसको मैसेज देंगे कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो फ्रेंड ये उस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से इसको सॉल्व किया है। तो फ्रेंड इसको ही हम करेंगे, बना के देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल से करेंगे। तो फ्रेंड मैंने कंसोल एप्लीकेशन लिए, कंसोल एप्लीकेशन में क्लास का नेम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेन मेथड है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास कैलकुलेटर, हम भी कैलकुलेटर बनाएंगे, कैलकुलेटर। इसमें मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ, पब्लिक एंड डिवीजन, इंट सेकेंड नंबर। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड मैंने कैलकुलेटर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया डिवीजन, दो नंबर लिए, पैरामीटर पास किए इसमें इंट टाइप के, इंट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, एक रिजल्ट लिया वेरिएबल, डिवाइड किया है, रिजल्ट किया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको यूज करेंगे, कॉल करेंगे इसको मेन से, मेन से कॉल करने के लिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको कॉल करेंगे, डॉट डिवीजन फर्स्ट नंबर 10, 2। कंसोल राइट लाइन
ठीक है फ्रेंड, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, क्लास के अंदर डिवीजन मेथड रखा, दो पैरामीटर पास किए, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल किया, उसको रन करते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, आउटपुट आपके सामने एडिशन रिजल्ट 5, बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। अब किसी यूजर ने क्या किया, 0 से डिवाइड किया, 0 से डिवाइड किया 10 को। अब देखो फ्रेंड क्या होगा, ये देखो फ्रेंड एरर आ गई है, रन टाइम पे एरर आ गई है, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो एक मैसेज आया है, सॉफ्टवेयर ने एक मैसेज दिया है हमें, अटेम्प्टिंग टू डिवाइड बाय 0, किसी आपने 0 से डिवाइड करने की कोशिश की है जो नहीं पॉसिबल है, तो इस ये एक्सेप्शन रेज हुई है, एरर आ गई है, एक्सेप्शन मतलब एरर आ गई है। तो फ्रेंड देखो, सिस्टम के अंदर एक क्लास से डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, जिसने ये एक्सेप्शन कैच की है, इसने ये कैच की है। तो फ्रेंड देखो, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर चला के दिखाया था अभी, विंडोज़ का जो कैलकुलेटर था उसमें कोई एरर आई थी नहीं? आई थी, मैसेज आया था ना, लेकिन यहाँ पे एरर आ गई। अब मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा करता तो क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसे बोलते हैं रन टाइम एरर। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपसे बताया था कौन सा ब्लॉक होता है, सिंटेक्स या ट्राई, ट्राई ब्लॉक। तो इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में कौन सा लॉजिक है जहाँ एक्सेप्शन आ रही है, इसमें आ सकती है एक्सेप्शन, इसी में आ रही है, तो इसको हम रखेंगे ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड मुझे लगता है कि इस लाइन में एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैंने इसको किसके अंदर रखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो अब ट्राई ब्लॉक हो गया, अब एक्सेप्शन को कैच करेंगे कैच ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉक में, वो ब्लॉक होगा कैच, कैच। कैच ब्लॉक, अब इसमें क्लास लिखेंगे। तो फ्रेंड हमारे पास पेरेंट क्लास है, मैंने आपको बताया था अभी, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन क्लास, ये पेरेंट क्लास है सबकी, इसको लिखेंगे। तो बनी बनाई क्लास है, देखो फ्रेंड एक्सेप्शन क्लास, इस क्लास की हेल्प से हम एक्सेप्शन को कैच करेंगे। तो ये बनी बनाई क्लास है फ्रेंड, कहाँ पे, ये सिस्टम के अंदर, देखो दिख रहा है आपको क्लास, इसकी डेफिनेशन आ रही, क्लास ये है, ये सिस्टम और एक्सेप्शन, इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया मैंने, ईएक्स ऑब्जेक्ट बनाया। अगर कोई एक्सेप्शन आती है, सपोज इस लाइन में एक्सेप्शन आएगी, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कैच ब्लॉक के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल राइट लाइन ईएक्स डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है फ्रेंड, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो फ्रेंड जब इस लाइन में एक्सेप्शन आएगी, एरर आएगी, तो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा यहां पे कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो देखो फ्रेंड मैं आपको चला के दिखाता हूं। तो पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, देखते हैं पहले क्या होता है, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई एरर नहीं है, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, लेकिन अब यूजर ने क्या किया, 0 से डिवाइड कर दिया। अब देखो फ्रेंड इसको रन करेंगे, एक्सेप्शन आएगी, देखो फ्रेंड अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0 आ गया मैसेज, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरर नहीं है कोई, देखो फ्रेंड एरर नहीं है कोई भी, हमने इसको हैंडल कर लिया है, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, पहले एरर आई थी, एरर नहीं है। देखो फ्रेंड मैं आपको डीबग करके दिखा देता हूँ, डीबग करते हैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप। ये कैच ब्लॉक को देखेंगे, देखो फ्रेंड यूजर 0 से डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है, कंट्रोल मेन के अंदर आया, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनेगा, मेथड कॉल हुआ 10 20 0
सेकेंड नंबर में जीरो है। कंट्रोल अंदर आया, देखो फ्रेंड अभी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हम 10 को डिवाइड करें जीरो से, तो कंट्रोल कहाँ आएगा, कैच ब्लॉक के अंदर। तो एक्सेप्शन जो आएगी उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक मतलब कैच ब्लॉक के अंदर। ये देखो फ्रेंड आ गया, कंट्रोल आ गया, कंट्रोल कैच ब्लॉक के अंदर आ गया, प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। ये देखो फ्रेंड अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था, जो विंडो का कैलकुलेटर है वहां पे मैसेज आया था कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो यहां पे मैसेज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। ठीक है फ्रेंड आपके सामने, तो फ्रेंड देखिए अगर जैसे विंडो के कैलकुलेटर में, जैसे विंडो के कैलकुलेटर में मैसेज था, अगर आप वैसा ही करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जैसे विंडो में आया था मैसेज, अगर यूजर को मैसेज मिलता है अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो तो हम मैसेज देंगे तो यूजर को मैसेज आएगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। जैसे कि विंडो के कैलकुलेटर ने मैसेज दिया था ऐसे हम भी दे सकते हैं मैसेज, हम भी वही मैसेज देंगे यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो देखो फ्रेंड ये सब मैं हटा देता हूँ, अब आप तो समझ ही गए ये सब हटा देता हूँ मैं डिबगर। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, यूजर जीरो 10 को जीरो से डिवाइड कर रहा है तो मैसेज जाएगा यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, जैसे कि विंडो के कैलकुलेटर से मैसेज आया था यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा है परफेक्टली, मैसेज गया यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो जैसे विंडो के कैलकुलेटर दिया। तो जो विंडो का डेवलपर था उसने एक्सेप्शन को हैंडल किया और मैसेज दिया, तो ऐसे ही हमने भी अपने सॉफ्टवेयर में एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड, अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ की थी, डेटाबेस कनेक्टिविटी ओपन हुई, लॉजिक चला और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई, जिसकी वजह से मेरा डेटाबेस कनेक्शन ओपन रह गया। तो फ्रेंड तो क्या करेंगे, जब एक्सेप्शन रेज हुई है और मुझे कनेक्शन क्लोज भी करना है, क्योंकि अगर कनेक्शन ओपन रह जाएगा तो सर्वर पर लोड पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा फाइनली ब्लॉक यूज़ करूँगा फाइनली। तो फ्रेंड फाइनली ब्लॉक, चाहे आपके कोड में एक्सेप्शन आए या ना आए फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है। तो ये ब्लॉक बहुत काम की चीज़ है, तो इसमें हम वो काम करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स को क्लोज करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स ओपन रह गए हैं एक्सेप्शन आते टाइम। तो ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आती है तब भी चलेगा, नहीं आती तब भी चलेगा। तो मैंने फाइनली ब्लॉक यूज़ किया कनेक्शन क्लोज करने के लिए, अगर एक्सेप्शन आएगी तो भी ये कोड चलेगा, नहीं आएगी तो भी चलेगा। तो फ्रेंड पे देखो पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करने पर टू से डिवाइड करने पर कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन ये फाइनल ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। देखो फ्रेंड डेटाबेस कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली, देखो फ्रेंड फाइनली ब्लॉक चला ही चला है, रिजल्ट आ गया एडिशन इज 5, एक्सेप्शन कोई नहीं आया लेकिन फाइनल ब्लॉक फिर भी चला है। अब एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन जनरेट करते हैं फ्रेंड, देखो एक्सेप्शन जनरेट करेंगे अब हम, एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ेगा,
देखो फ्रेंड, यू कैन नॉट डिवाइड बाई, यू कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली। आप कुछ काम कर रहे थे, कनेक्शन ओपन हुआ, कनेक्शन ओपन हुआ, लॉजिक में प्रॉब्लम थी आई या नेट कनेक्ट चली गई, तो जिसकी वजह से मुझे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना पड़ा। तो फाइनली ब्लॉक में आपने कोड लिखा है कनेक्शन क्लोज करने का, तो वो चलेगा ही चलेगा। तो बेटा फाइनली ब्लॉक, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, आपका कोड चलता ही चलता है। तो बहुत काम का बुक क्लॉक कीवर्ड है ये, इसको हम यूज़ करते करते हैं। विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड जब एक्सेप्शन आती है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को लिखते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आने की संभावना है। कैच ब्लॉक के अंदर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो जैसे कि ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं स्टोर करा लूँगा टेक्स्ट फाइल में या फिर डेटाबेस के अंदर, ठीक है फ्रेंड, जिससे हम इन फ्यूचर चेक कर सकें क्या प्रॉब्लम थी। अगर कोई अपनी क्वेरी करता है तो हम उसे बता सकेंगे प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास बनी बनाई एक्सेप्शन क्लासेस हैं जिनको हमने यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल किया, ठीक है फ्रेंड। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, फ्रेंड आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं। देखो फ्रेंड, जैसे कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, एक और कैच ब्लॉक। ऐसा नहीं कि आप एक ही कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन है? ये जो एक्सेप्शन क्लास है, ये सभी सभी एक्सेप्शन क्लास की पेरेंट क्लास है। इसके अंदर सारी की सारी क्लासेस आ जाती हैं। कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लास भी है, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो जैसे कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, ये स्पेशलाइज क्लासेस हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। स्पेशलाइज क्लासेस इनपुट आउटपुट है, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है, ये स्पेशलाइज क्लासेस हैं। और ये मेन क्लास है जिसके अंदर ये सारे क्लासेस हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। तो इसमें से भी दोनों चल जाएंगे। आप कितने कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड? एक और लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, प्रोग्राम वही आउटपुट आएगा, आउटपुट वही आना है, ठीक है फ्रेंड। एक और लगा सकते हैं आप चाहें तो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, तो देखो फ्रेंड हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज किए हैं। एक कैच ब्लॉक ये है, एक कैच ब्लॉक ये है, एक कैच ब्लॉक ये है। मल्टीपल कैच ब्लॉक भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट सेम आएगा। तो जिस जो एक्सेप्शन आएगी वो कैच ब्लॉक उसके कैच करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट किया, स्टडी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं, ये हमें हैंडल करना ही पड़ता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो